बटाला पुलिस ने नशा तस्करी करन वाले 8 लोगों की प्रॉपर्टी फ्रीज की है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए दसी जा रही है। बकायदा घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इन्हों ने जिन्नी भी प्रॉपर्टी बनाई है सारी नशा वेच के बनाई है, अते इन्हों की सारी प्रॉपर्टी फ्रीज करन दे उन्होंने ऑर्डर मिले ने। तो वड्डी कार्रवाई बटाला पुलिस दे वलो नशा तस्करी मामले दे विच कीती गई। 8 लोगों की प्रॉपर्टी फ्रीज कीती गई है। इस मामले दे विच पुलिस अधिकारी ने होर केड़े वड्डे खुलासे कीते ने, आओ सुनदे हां। जी अज की जिहड़ी प्रेस ब्रीफिंग है ये रिगार्डिंग पंचायती इलेक्शंस है। ये साढ़े आर ओ सीगे परशोत्तम सिंह जो कि RO1 IK गुजराल इंस्टीट्यूट बटाला दे विच बतौर RO उन्होंने अपॉइंट किया गया सी। इन्हां कोल 12 ग्राम पंचायतां सीगियां ते इहदे विच उन्हां नूं 5 तरीक नूं राती एक अननोन नंबर तो बाहर दे नंबर तो कॉल आई ते जिस नूं इन्हां ने उस टाइम ते अटेंड नहीं किया। 10 कॉल आईयां। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर इन्होंने उस नंबर दो तो कॉल्स आईया तो इन्होंने जो अटेंड किया तो अगले जिहड़ा अनआइडेंटिफाइड कॉलर सीगा उन्हें अपने आप नूं जग्गू भगवानपुरिया दसदे हुए उस पिंड दा जिहड़े व्यक्ति सीगे जिहड़ा किला दर्शन सिंह जिहड़ा है किला दर्शन सिंह दी ग्राम पंचायत तो उम्मीदवार जिहड़े सीगे उहदे नामजदगी नूं रद्द करन वास्ते उन्होंने जोर पाया तो ये कह के उन्हें फोन कट दिता धमकी भरे अंदाज दे विच। यदि डिटेल लेंदे हुए जदों RO साहब ने सानू कंप्लेंट दी असी उहदे उत्ते परचा दर्ज किया उहदी तफतीश दर्ज स्टार्ट की ते तफतीश दे दौरान जिहड़े टैक्नीकल एनालिसिस करदे हुए असी जदों नंबर रिजोल्व कराए ते उस दोषी नूं आइडेंटिफाई करन दे विच कामयाब होए हैं। बलविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह है गिल्लां वाली जिन्हें ये कॉल की सीगी ते अज उहदी अरेस्ट जिहड़ी है सिटी पुलिस वल्लों पाई गई है ते हुण इहदा रिमांड लै के असी अगे तफतीश वधावांगे ते इहदे बारे यही ब्रीफिंग है जी। ये व्यक्ति करदा की है जी? ये पिंड दा व्यक्ति है जो मुढ़ली तफतीश विच गल सामने आई है कि इहदी कोई जिहड़े उम्मीदवार सीगे उहनां नाल पुरानी रंजिश सीगी उहनां नाल कोई खार रखदे सीगे इस करके उहनां दे जिहड़ी नामजदगी कैंसल कराउण वास्ते इहनें RO साहब नूं फोन कीता सीगा। जी जिहड़ा नंबर वरत्या गया उह इहनां दे किसी रिश्तेदार दा जिहड़ा अबरॉड रहिंदा सीगा इन्हें उन्हों कॉल करके उहदे कोलों OTP तैयार करवा के उस तो बाद वो नंबर यूज़ किया बाद विच यूज़ करन तो बाद वो नंबर इन्हें बाद विच डिलीट भी कर दिता सीगा। नहीं उन्हों हजे नहीं हजे तफतीश दे दौरान उहदा रोल देखांगे। नहीं इहो जिहा कुछ नहीं है जो उन्हें मुढ़ली तफतीश दे विच सानू दस्सिया है कि उन्हें नैट तो सर्च किया कि थ्रैट कॉल्स किधरों आंदियां ने या उन्हें यूट्यूब तो सर्च किया तो सब तो पहलों यही उहदे सर्च विच आया तो उन्हें तां करके वो नाम यूज़ करके ਤੇ ਅੱਗੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 30 ਦੇ 30-32 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੇਜ जी। ये तो पहलो केस है 2013 के इन्हें अपने पिंड की लड़की जी है उन्हों पहुँचाउण दा इहदे ते केस दर्ज होया सी 363 छाड़ दा ते उस तो बाद हुण इह वाला केस इत्थे दर्ज होया। नहीं हजे तक तो मुढ़ली तफतीश विच इहदा कल्ले दा रोल इस्टैबलिश होया बाकी हुण जदों तफतीश अगे वधेगी आपां देखांगे कि अगर किसी होर दा रोल तो सामने आंदा है तो उन्हों भी नामजद किया जाएगा। फरौती नहीं मंगी जी इन्हें उन अपने पिंड दे बंदे दे कागज़ जिहड़े हैगे रद्द कराउण वास्ते धमकी भरी कॉल कीती सीगी।